हेलो, वेलकम टू लर्न विद एक्सपेरिमेंट। मैं हूं सौरभ। तो दोस्तों, आज के एक्साइटिंग एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करने वाले हैं कि तैरने का अलग अलग जुगाड़ देखे हुए, कहीं पे नाव देखे हुए, कहीं पे अलग अलग चीज देखे होंगे। तो आज इसी को आगे बढ़ाते हुए हम क्या बनाए हैं कि ह्यूमन जेट पैक बना लिए, देखिए कुछ इस प्रकार से। और ये कितना छोटा, और साथ देखिए ये इलेक्ट्रिक है। जब इसको हम पानी में लेके उतरेंगे, देखते हैं इसका क्या परफॉर्मेंस है और किस टाइप से पानी में चल सकते हैं काफी स्पीड से। तो यही वीडियो देखने के लिए आप सब वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जो जेट पैक बना है, इसको हम चारों बगल से देख लेते हैं किस टाइप से दिखता है। देखिए पीछे का फ्रेमिंग कुछ इस तरह से किए हैं, और यहाँ देखिए 2775 मोटर लगा दो, और इसके साथ देखिए किस प्रकार से हम विंग इसका बना के लगाए हैं। और यहाँ पे देखिए एक 7A का बैटरी लगाया, और उसको कंट्रोल करने के लिए दोनों मोटर को यह देखिए स्पीड कंट्रोलर लगाया। जैसे इसको ऑन करते हैं क्या हुआ, देखिए किस प्रकार से पंखी इसका काम करती है। तो दोस्तों, इसकी आवाज से आप देख सकते हैं यह कितना ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ देखिए दोस्तों, ये एक खाली डब्बा दिए है जिसका काम क्या रहेगा कि हमको पानी पे ऊपर उठाए रहेगा। और आप देखते हैं इसको पानी में ले जाके किस प्रकार से ये काम करती है। तो फाइनली हम पानी को धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार देखिए हम पानी में आ चुके हैं। और देखिए दोस्तों, इसको इस प्रकार रखते हैं, कुछ इस प्रकार से रखे हुए थे। जैसे इसको ऑन करते, देखिए कैसे ये आगे बढ़ रही है। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम बैठ जाते हैं और देखते हैं किस प्रकार से चलती है। तो दोस्तों, देखिए हम धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया, किस प्रकार देखिए हमको आगे ये ले जा रही है। लेकिन ज्यादा स्पीड से नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी अच्छा स्पीड है, धीरे धीरे स्पीड मेंटेन हो जाएगा। और दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं पानी कितना ज्यादा, और ये देखिए जेट पैक किस प्रकार से आगे बढ़ रही है। तो इसे हम बैठ के ही आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप देख ही रहे कि किस प्रकार से जो हम गैजेट बनाया है, जिसका इन्वेंशन किया, कितना ज्यादा मजा आ रहा। आप दोस्तों इसका स्पीड देख सकते हैं। और थोड़ा इसको फिर से हम डायरेक्शन देते हैं, क्योंकि इस पर जब अच्छे से जब तक हम लेटते नहीं है तब तक ये हमको आगे नहीं ले जाते। देखिए किस प्रकार लेटे हुए हैं, और देखिए मेरा स्पीड कैसे आप बढ़ते जा रही है। काफ़ी ज़्यादा इसमें मज़ा आ रहा है, इस प्रकार का जो वीडियो रिकॉर्ड करने में भी, साथ में काफ़ी मज़ा आ रहा है इसको एक्सपीरियंस करने में। और यहाँ थोड़ा सा धूप ज़्यादा दोस्तों, तो क्या करते, थोड़ा सनग्लास लगा देते, क्योंकि आँख पे जो है रोशनी डायरेक्ट आ रही है। तो दोस्तों, हम क्या सोचे हम उस टापू पे जाके देखते देखते कितना देर में पहुंचते हैं, और कितना मजा आता है उस टापू पे पहुंच के। तो फाइनली हम टापू की ओर बढ़ दिए हैं। तो दोस्तों, ये जो हम मशीन बना, इसका सबसे फायदा क्या कि इसका साइज बहुत छोटा है। और देखिए इसको अगर बेल्ट लगा के हम शरीर में अच्छे से इसको बांध लेंगे, तो हमें कभी भी ये डर नहीं रहेगा कि इस मशीन के साथ हम कभी भी डूब सकते हैं। क्योंकि अगर इसका बैटरी डाउन भी हो जाएगा, क्या हम हाथ के सारे तैर के आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ डिब्बा इसीलिए लगाया ताकि मेरे वजन को मेंटेन करके पानी से उठाए रखे। और फाइनली हम थोड़ा सा दिशा भटक गए, हम दिशा को मेंटेन करते तब जाके हम पहुँचेंगे उस टापू पे। तो दोस्तों, आप फाइनली देख सकते हैं हम इस टापू पे पहुंच गए, लेकिन एक चीज मेजर नहीं कर पाए, कितना देर में कितना डिस्टेंस कवर करते हैं। तो आप देख सकते हैं हम अभी इस टापू पे खड़ा है, और हम वहां जाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे इसमें कितना टाइम लगती है। तो क्या करते हैं, वापस हम पानी की ओर जाते हैं। और देखिए अभी भी हमारा जेट कितना चार्ज है, देखिए मस्त इसका देखिए स्पीड से पता चल जाएगा। तो स्पीड से ही पता चला कि कितना अभी भी चार्ज है, और कितना देर चलेगा वो भी पता चलेगा। थोड़ा सा पानी में जाते हैं, और यहाँ से क्या करते हैं हम बैठ जाते हैं, और देखते हैं कितना टाइम लगता है वहाँ जाने में।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं फाइनली हम मंदिर में पहुंच चुके हैं उस टापू पे, यहाँ पे आ चुके जहाँ हम आना चाहते थे। और यहाँ आने में जो टाइम लगा है वो 2 मिनट का टाइम लगा है। तो दोस्तों फाइनली आप देख के लिए ये जो हम जेट पैक बनाए थे कितना शानदार काम कर रही थी, और इसमें सिर्फ 2 ही मोटर लगा, इसका मतलब क्या कि इसमें सिर्फ 2 ही इंजन लगाए हैं, जिसके वजह से क्या हो गया, यहाँ से जब वो टापू का डिस्टेंस कवर किए थे तो सिर्फ 2 मिनट में डिस्टेंस कवर कर लिए। इसी में अगर हम 4 मोटर या 6 लगा देते तो और भी ज़्यादा स्पीड हम पानी में डिस्टेंस को कवर कर लेते। तो अगला जब हम प्रोटोकॉल इस टाइप से कोई सा भी बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, 4 या 6 मोटर देंगे, फिर देखेंगे कितना स्पीड हम पानी में ट्रेवल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार का एक्साइटिंग एक्सपेरिमेंट देखने के लिए आप सिर्फ बने रहिए, हम इसी प्रकार का वीडियो लाते रहते हैं। अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट अच्छा लगे लाइक कीजिए और साथ ही साथ आप को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।